चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशि अनुसार खास उपायों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय जरूर आपको करने चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी राशि अनुसार उपाय बताइए। अब देखिए, आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शरद पूर्णिमा पर कन्याओं को दूध और खीर खिलानी चाहिए। अगर आप खीर खिला रहे हैं तो दूध अलग से खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़े से चावल दूध में धो करके और उसे आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं मछलियों के लिए, इससे भी कष्ट दूर होगा। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी मंदिर में आपको दान करना चाहिए, इससे आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। चावल का दान भी कर सकते हैं और अगर विष्णु सहस्रनाम या गोपाल सहस्रनाम का सुबह शाम पाठ कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज के दिन ये किया हुआ पाठ आपका ये जन्म भी सुधारेगा और आपका अगला जन्म भी ठीक होगा। मिथुन राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान किसी धर्म स्थान में किसी वेदपाठी को करें, निश्चित रूप से कारोबार में तरक्की होगी और आप सही फैसले ले पाएंगे। अगर आपकी कर्क राशि है तो आज आपको शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्ति और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिला करके मंदिर में दान करना चाहिए, पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्वयं स्नान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करना चाहिए, श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए और हो सके तो आज रात्रि में आपको महालक्ष्मी की विशेष पूजा आयोजित करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आज लक्ष्मी का सहस्रार्चन भी कर सकते हैं। ये सहस्रार्चन लक्ष्मी का जो होता है वो ललिता सहस्र नाम के 1000 नामों से महालक्ष्मी के श्री चरणों में कमलगट्टा, गुलाब की पंखुड़ियाँ, चावल, रोली और इत्र, ये 5 चीज़ मिला करके उनके श्री चरणों में समर्पित की जाती है या श्री यंत्र पर समर्पित किया जाता है और पादुकाम पूजयामी तर्पयामी ये मंत्र बोला जाता है और एक पात्र भी अलग से रख लें। जब पादुकाम पूजयामी कहें तो वस्तु आप श्री यंत्र पर डालें और जब तर्पयामी कहें तो तांबे के चम्मच से, तांबे के आचमन से जल उठा करके उस कटोरे में डालें। तो ये क्रम अगर आज आपने कर लिया तो मुझे पूरा विश्वास है पूरे साल आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। लाभ पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और उपाय आप क्या कर सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब इन राशियों के लिए बताइए। देखो ऐसा है, शरद पूर्णिमा तो सभी राशि वालों के लिए वरदान है, क्या मेष, क्या मीन, क्या 12 राशियां, हर राशि के लिए शरद पूर्णिमा एक तरह से वरदान होकर के आती है। मेष राशि के जातक अगर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो हम उनसे ये कहेंगे सदाचार पूर्वक तो आज का दिन व्यतीत ही करें। सिंह राशि के जातक सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करें, लेकिन आज धन लाभ के लिए आप गुड़ के साथ साथ दूध का भी दान किसी शिव मंदिर में करें और आज हो सके तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। अगर आप बहुत दिनों से लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं लेकिन रंग नहीं आ रहा है, दरिद्रता नहीं दूर हो रही है, कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है और आप अब थक गए हैं, आपका विश्वास पूजा पाठ पर से उठ रहा है, तो आज के दिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज आप किसी शिवालय में जाइए। शिवालय मतलब जो पिरामिड के आकार का होता है, जिसके गर्भगृह के मध्य में भगवान शिव का शिवलिंग होता है और बाहर नंदी होते हैं,
उसे शिवालय कहते हैं, जहां सारे देवी देवता होते हैं और उसमें एक तरफ कोने में शिवलिंग होता है, वो शिव मंदिर हो सकता है लेकिन वो शिवालय नहीं हो सकता। और शिवालय कोट्य सह, शिवालय में किया गया जप तप पुण्य करोड़ गुना फल देता है। शिव मंदिर तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए निर्माण कर लिया है, शास्त्रों में इसका कोई महत्व नहीं है, शास्त्रों में इसका कोई महत्व नहीं है, शास्त्र तो शिवालय को ही महत्व देता है। तो कहने का आशय हमारी ये है कि शिवालय में बैठ करके अगर आज आप 16 बार श्री सूक्त का पाठ कर लें, एक बार रुद्र सूक्त का पाठ कर लें, एक बार आप पुरुष सूक्त का पाठ कर लें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो कभी ना आपके जीवन में परिवर्तन हुआ वो भी सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को कल से ही मिलेगा। बस आज समय निकालिए, शिवालय में जाइए, भगवान शिव का जल दूध बेलपत्र चढ़ाकर अभिषेक करिए और एक घी का दिया ऐसा जलाइए जो कम से कम 2-3 घंटे तक जले, और शिवालय में उत्तर मुंह करके बैठ जाइए एक आसन बिछा करके, और श्री सूक्तम, कनकधारा स्त्रोत, पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ कर डालिए। अगर आपको नहीं पाठ आता है, संस्कृत पढ़ने में आपका हाथ टाइट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। ये जप अगर आप एक घंटे तक लगातार कर लेंगे, इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। तो कन्या राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर जरूर खिलाएं और मछलियों के लिए मीठे चावल डालें। शाम के समय नहा धोकर फिर से तैयार होकर के और पूरे उत्साह के साथ माँ लक्ष्मी की उपासना करें, जैसे दिवाली को पूजा करते हैं वैसे आज भी पूजा कर लें। इसी क्रम में जो तुला राशि के जातक हैं, आज शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिरों में दूध चावल और शुद्ध घी का दान करें। आज रात में दूध नहीं पीना चाहिए, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, और बजने वाला शंख आप किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर सुख शांति संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध या चांदी दान करें, अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करें, माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। ये सब उपाय करने से निश्चित रूप से आपका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शरद पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जल्दी से जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान करें, गणेश, अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ करें। मकर राशि वाले शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहते पानी में चावल प्रवाहित करें, चावल का भी दान जरूर करें। आज नमामि ईशान निर्वाण रूपम, ये शिवाष्टक जो रामचरितमानस में है, इसका पाठ जो लोग प्रातःकाल सायंकाल करेंगे शिवालय में जा करके, निश्चित रूप से वो लोग भाग्यशाली होंगे। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं, शरद पूर्णिमा का सुप्रभाव मिले इसके लिए लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं, मछलियों को मीठे चावल डालें। जय माँ विंध्यवासिनी।